तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अवश्य करोगे। उचित है पिताश्री, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। होगा नहीं, वचन दो मुझे। मैं वचन देता हूं पिताश्री, यदि युद्ध के प्रथम प्रहर तक शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। उत्तम, अति उत्तम मेघनाथ, तुम्हारी मायावी शक्तियों के प्रहार में वृद्धि करने के लिए तुम्हारे साथ विद्युत जीवा भी रणभूमि में रहेगा। वो भी महाविनाश मचा सकता है वानर सेना में। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता निकोम्बिला की पूजा संपन्न करके शीघ्र ही वानर सेना पर आक्रमण करूंगा। चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। इतनी रात्रि देवी पूजा? मेघनाथ, ये इस प्रकार पूजा क्यों कर रहा है? वो देवी ने कुंभला की पूजा कर रहा है। रावण युद्ध के लिए मेघनाथ को ही भेजने वाला है और इस समय पूजा का अर्थ है पूजा समाप्त होते ही मेघनाथ आक्रमण के लिए निकल पड़ेगा। आक्रमण रात्रि में ही होगा, परंतु आज की रात्रि हमें सजग और सतर्क रहना होगा। हमें दूर तक अपने सैनिकों को बिखेरना होगा और हर ओर सुरक्षा रखनी होगी। मेघनाथ की पूजा संपन्न होते ही वो किसी भी क्षण बिना चेतावनी दिए ही आक्रमण कर सकता है। अंधकार छाया और अब ये मशाले भी एकाएक ही बुझने लगी। कुछ तो असामान्य है। अकस्मात ही ये विचित्र सा अंधकार कैसे छाने लगा? ये अंधकार कैसा? जय श्री राम। सावधान, हनुमान ने चेतावनी का संकेत दिया है, सतर्क रहो। इतना अंधकार है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। प्रतीत होता है कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रतीत होता है कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वार कहां से हो रहा है? बचाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये राक्षस हमें मार देंगे, बचाओ। मेरे रक्ष योद्धाओं, मेरे इस मायावी गहन अंधकार ने निर्मूल कुमारों को अंधा कर दिया है। किंतु तुम लोग अपनी मायावी दृष्टि से इन्हें भली भांति देख सकते हो। तो टूट पड़ो इन वानरों पर, अंत कर दो इन सबका। ये राक्षस
क्या युद्ध कर रहे हो? किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? बिना देखे वार करोगे तो इन राक्षसों के साथ साथ हमारे वानर योद्धा भी तुम्हारे प्रहार से हताहत हो सकते हैं। किंतु हम क्या करें प्रभु, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राक्षसों पर हम आक्रमण कैसे करें? इस अंधकार से तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मेरी और विद्युत जीवा की मायावी शक्तियों के समक्ष कोई जीवित नहीं बचेगा। सब मारे जाओगे मूर्ख वानरो, सब मारे जाओगे। अब कोई उजाला नहीं रहेगा तुम सबके जीवन में, क्योंकि बहुत जल्द ही मृत्यु के अंधकार में समाने वाले हो तुम लोग। शीघ्र कुछ कीजिए हनुमान जी, इस अंधकार ने तो हमें असहाय बना दिया है। ये राक्षस अंधकार का लाभ उठाकर हमें आहत कर रहे हैं। प्रभु, ये घोर अंधकार तो हमारी सेना को संकट में डाल देगा। प्रभु, इस अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय समझ में आ रहा है, कोई सूर्यदेव से शीघ्र उदित होने के लिए प्रार्थना करे, वो इस धर्म युद्ध में अवश्य हमारी सहायता करेंगे। भ्राता सुग्रीव, ये आवश्यक तो है, परंतु ऐसा करना तो अधर्म है। हनुमान का कथन सत्य है महाराज सुग्रीव, हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने के लिए किसी को नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो रावण और हम में क्या अंतर रह जाएगा? किंतु प्रभु, हमें शीघ्र ही उजाले का प्रबंध करना होगा, अन्यथा अंधकार का लाभ उठाकर मेघनाथ हमारी समस्त सेना का अंत कर देगा। इस अंधकार का उत्तर है ये गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ दिव्यास्त्र, ये हमें इस संकट से बाहर लेगा। योजना विफल करके रख देगा, अभी नष्ट किए देता हूं इसे। अब संभालो मेरा वार। राक्षसों, अब देखता हूं कितनी शक्ति है तुम में। अब कोई माया नहीं चलेगी तुम्हारी दुष्टों। वानर वीरो, टूट पड़ो इन राक्षसों पर।
सामने। प्रवासी राम, अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाथ के हाथों। ये मायावी राक्षस तो प्रभु की ओर बढ़ रहा है। जय श्री राम। के रहते हुए कोई भी युवराज को हानि नहीं पहुंचा सकता, समझे वानर? मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के वधिक, बहुत बड़े धनुर्धर हो ना तुम, तू करो मेरा सामना। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मेघनाथ। प्रवासी, अब संभालो मेरा वार। सैकड़ों बाणों के उत्तर में केवल एक बाण, ऐसे करोगे मेरा सामना धनुर्धर? हनुमान को बंधन में बांधोगे राक्षस? अभी बताता हूं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रताप से जब ब्रह्मास्त्र मुझे नहीं बांध सका, तो तुम्हारा ये धागा क्या वश में कर लेगा मुझे? बहुत शक्तिशाली है ये वानर। अब मेरा ये मायावी चक्र तेरे कौतन धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अच्छा, तो मेरा कोदंड धनुष ही इसका उत्तर देगा। जिह्वा प्रभु श्री राम की शक्ति, अब प्रभु के नाम की शक्ति भी देख लो राक्षस। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम।
दोनों राक्षस तो अदृश्य हो गए। सावधान साथियों, ये राक्षस माया युद्ध कर सकते हैं। माया युद्ध कर रहा है। मेघनाथ, यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो सामने आकर लड़ो। यो अदृश्य होकर और छुप छुप के वार करने वाले योद्धा नहीं कहलाते। अदृश्य पर वार करना रघुवंशी अधर्म मानते हैं, और इस धर्म युद्ध में अदृश्य पर वार करके अधर्म को बढ़ावा नहीं देगा कोई रघुवंशी। प्रवासी राम, हम राक्षसों का धर्म मात्र विजय है। चाहे वो किसी भी प्रकार ही क्यों ना हो, अब ये तुम्हारी इच्छा। तुम युद्ध लड़ो या मिट जाओ, हम तो यू ही वार करेंगे। ये लो। भैया, प्रभु, जय श्री राम। सखा, बस मेघनाथ, प्रभु ने जब मायावी युद्ध ना करते हुए धनुष नीचे किया तो तुमने नागपाश चलाया। प्रभु ने कुंभकर्ण की मृत्यु पर उदारता दिखाते हुए युद्ध ना करने की घोषणा की तो तुमने दो बार युद्ध विराम तोड़ा और रात्रि में भी आक्रमण किया। किंतु अब प्रभु की सहजता का लाभ हनुमान किसी को नहीं उठाने देगा। अब चाहे तुम युद्ध के लिए आओ या तुम्हारे पिता रावण। तुमने निहत्थे प्रभु पर शस्त्र उठाया मेघनाथ, अब इसका दंड तुम्हें हनुमान देगा। जय श्री राम। अच्छा, तो यहां है ये दोनों राक्षस। प्रभु, देवी माता कुष्मांडा की कृपा एवं वरदान के कारण अब मैं अदृश्य को भी देखने में सक्षम हूँ। वो दोनों राक्षस दिखाई दे रहे हैं मुझे। फिर तो कोई भी विधान तुम्हें नहीं रोक सकता हनुमान, करो वार। We'll be right back.
गुण सागर जय कपी सतागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतागर जय। युवराज मेघनाथ, ऐसा प्रतीत होता है ये वानर हमें देख सकता है। ये तुम्हारा भ्रम है विद्युजवा, हमें देख पाना इस वानर के वश में नहीं। नहीं युवराज नहीं, ये वानर हमारे समीप आ पहुंचा है। दुष्ट वानर है क्या? इसने कैसे देख लिया हमें? ये ले दुष्ट। ये हनुमान किससे लड़ रहे हैं? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चित्कार तो सुनाई दे रही है परंतु वो दिखाई नहीं दे रहे। मित्र, हनुमान आसुरी शक्तियों के लिए भी काल है। अब हनुमान से बच के कहां जाओगे तुम दोनों? प्रतीत होता है मेघनाथ पुनः अपनी किसी माया में हनुमान को फंसाने का प्रयास कर रहा है। कायर मेघनाथ, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे, दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। युद्ध का प्रथम प्रहर समाप्त होने को है किंतु यह वानर हनुमान हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मेरी सारी मायावी शक्तियों को विफल करके रख दिया हनुमान ने। पता नहीं कितनी असीमित शक्तियों का स्वामी है ये। ऐसी असीम शक्तियां जिसके पास हो उसे उसका मनोबल तोड़ के ही पराजित किया जा सकता है मेघनाथ जी। ठीक है, जिसका मनोबल तोड़ने के लिए मैं सीता को माध्यम बनाऊंगा। जाओ विद्युत जीवा, मायावी सीता को प्रकट करो। कायर मेघनाथ, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे, दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। स्वामी हनुमान, कहीं ये माता सीता की पुकार तो नहीं है? यहाँ आके छुप गए हो भीरू कायर, इतने भयभीत हो गए तुम? तो चुवानर, भयभीत अब तुम हो जाओगे इन्हें यहाँ देखकर। एक भेंट लाने गया था मैं तुम्हारे लिए। क्या हनुमान, इसे सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हो ना तुम सब? और इसी के लिए तुमने मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के प्राण हरे। अब देखना, तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही मैं सीता के प्राण हरूंगा। माता,
होगा। आकाश से कुछ नीचे की ओर गिर रहा है। ये तो हनुमान है। हनुमान को क्या हो गया? अवश्य उस दुष्ट मेघनाथ ने हनुमान पर कोई मायावी प्रहार किया है। हनुमान, मैं आ रहा हूं। अब करता हूं वानर राज सुग्रीव का अंत। माता, ये क्या हो गया? माता, तलवार, मेघनाथ ने माता को तलवार से, मेघनाथ ने माता को तलवार से। हनुमान पुत्र, रक्षा करो मेरी स्वामी। बराबर टूटने से बलहीन हो चुका है ये वानर, और अब अपने इस बाण से मैं इसे प्राणहीन भी कर दूंगा। माता, किसने विफल किया मेरे प्रहार को? अब कोई नहीं बचा पाएगा इस वानर को मुझसे। लक्ष्मण भैया,
लक्ष्मण जी, आप हनुमान जी को संभालिए, मैं इस मायावी राक्षस को संभालता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम सब स्वयं ही मेरे समीप आ रहे हो। पिताश्री ने कहा था कि युद्ध के प्रथम प्रहर तक एक योद्धा की मृत्यु आवश्यक है, और अब मुझसे इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। हनुमान, क्या हुआ हनुमान? बोलो हनुमान, बोलो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोलो हनुमान, क्या हुआ? कुछ तो कहो हनुमान, बोलो हनुमान, बोलो हनुमान। बड़े भैया की, तुम्हें प्रभु श्री राम की शपथ है, बताओ मुझे क्या हुआ? लक्ष्मण भैया, वो मेघनाथ ने वो माता अर्थात माता सीता। क्या हुआ है माता को, बोलो हनुमान। उस मेघनाथ ने माता सीता का वध। नहीं, ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। धिक्कार है मुझ पर और मेरे बल पर कि ये कैसे होने दिया मैंने। माता को वचन दिया था मैंने, प्रभु को लेकर आऊंगा, उन्हें मुक्त कराऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं। प्रभु को भी बहुत आशाएं थी मुझसे, क्या कहूंगा मैं उनसे। मैंने ही प्रभु के मन में आशाएं जगाई थी कि शीघ्र ही मिलाऊंगा मैं उन्हें माता से। उनकी आशाएं कैसे तोड़ूं मैं, कैसे तोड़ूं मैं। ये कैसे हो गया लक्ष्मण भैया, मेरे नेत्र क्यों नहीं फूट गए ये सब देखकर। सब समाप्त तो हो गया, नष्ट हो गया, सब व्यर्थ हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ है माता सीता को, ऐसा नहीं हो सकता। कदाचित ऐसा नहीं होता लक्ष्मण भैया, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु सब मेरे नेत्रों के समक्ष हुआ और मैं जब तक कुछ कर पाता सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। Ugh!
मेघनाथ और विद्युत जीवा वानर सेना पर संकट बने हुए हैं। हनुमान भी विक्षिप्त अवस्था में है। प्रभु कोई अनिष्ट ना हो जाए। कोई अनिष्ट नहीं होगा विभीषण जी। विजय अंततः धर्म का साथ देने वालों की ही होती है। किंतु प्रभु ये सब कुंभकर्ण के साथ हुए युद्ध में कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी स्मरण है ना आपको? फिर अकस्मात ही सब परिवर्तित हो गया था। यहां भी सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होते होते अकस्मात ही ये क्या हो गया? कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात हम विजय के निकट ही थे, किंतु अब तुम कह रहे हो कि माता सीता? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। वो माता जिनके चरणों की धूल मैं सदा अपने माथे पर लगाया करता था, वो अब नहीं है। मां के वो चरण जो बड़े भैया को वरमाला पहनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े थे, जिनके दर्शन कर मुझे प्रथम बार देवर होने का सुखद आभास हुआ, कभी पुष्पों के मार्ग पर चलकर अयोध्या में पड़े थे, परंतु समय आने पर उन्हीं कोमल चरणों ने मेरे पिता तुल्य बड़े भाई का साथ निभाया, वन के उन कंटकों भरे मार्ग को चुनना स्वीकार किया, जिन चरणों का आशीर्वाद पाकर मुझे वन में भी माता कौशल्या, माता कैकेयी एवं माता सुमित्रा के जैसे दुलार प्राप्त हुआ। उन चरणों के दर्शन किए बिना मैं भी इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। कह दो हनुमान, ये मिथ्या है, भ्रम है। यह सत्य ही होता तो ठीक था, परंतु इस घोर पीड़ादायी दृश्य को मैंने अपने नेत्रों से देखा है। मैं कैसे कह दूं कि यह सत्य नहीं भ्रम है? मुझे क्षमा कर दो, मैं करबद्ध विनती तुमसे करता हूं हनुमान, ये समाचार तुम्हें ही देना होगा। हे प्रभु, आपका ये सेवक आपको हृदय विदारक समाचार से कैसे अवगत कराएगा? उस दुष्ट मेघनाद ने अपने एक ही वार से अंत कर दिया माता सीता का, छीन लिया प्रभु के जीवन का आधार। ये दुखद समाचार कैसे दूं मैं प्रभु को, कैसे दूं मैं? परंतु हनुमान, हम ये दुखद सत्य प्रभु से छिपा भी नहीं सकते हैं। ये दुखद सत्य हमें उन तक पहुंचाना ही होगा।
इस महाबली का मनोबल समाप्त किया मैंने, और अब इन वानरों को भी समाप्त करूंगा मैं। युवराज मेघनाथ, इन तुच्छ वानरों पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि प्रथम प्रहर समाप्त होने को है। चलाइए अपना ब्रह्मास्त्र और कर दीजिए एक ही वार में इस युद्ध का अंत। ये राक्षस पुनः कुछ अत्यंत अनिष्टकारी करने की योजना में है, हमें इसे रोकना चाहिए। क्या विद्युत जवा? इन वानरों को मैं रोकता हूँ, आप अपने अस्त्र का प्रहार कीजिए कुमार मेघनाथ। वानर छोड़ दे, नल तुम्हें कुछ नहीं करने देगा मेघनाथ। हम कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे तुम्हारा कोई कपट षड्यंत्र मेघनाथ। तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरो। इन वानर महायोद्धाओं का उत्साह और वीरता देखकर मैं और भी आश्वस्त हो गया कि शीघ्र ही युद्ध में विजय पाकर हम देवी सीता को मुक्त कराने में सफल होंगे। सीता वध समाचार के लाई, प्रभु से हनुमत विवश थे भाई। को वचना किंतु ये सुनाए, आस को तोड़े मन को दुखाए। सिया राम सिया राम जय हनुमान। विलग्न हो ब्रह्मा ब्रह्माणी, श्री हरि रमा महादेव भवानी। अलग भय क्यों राम वैदे, विधान विधि ने लेखी। सीता माता से मिलन की आस ही तो प्रभु के जीवन का स्रोत है, उसी आशा की किरण को हर मैं अभागा उनके जीवन में निराशा का अंधकार लाने पर विवश हूँ। अरे हनुमान, तुम अवश्य कुशल लौटोगे, मुझे पूर्ण विश्वास था। परंतु तुम वहां इतनी दूर क्यों रुक गए? ओह, समझ गया मैं। सीता से मेरे पुनर्मिलन की कल्पना करके भावुक हो रहे हो तुम, और अपनी भावनाओं के अतिरेक को मुझसे छुपा रहे हो। संकोच ना करो हनुमान, मेरे सभी भाव। हनुमान, उस पल की कल्पना कर, भावुक तो मैं भी हो उठता हूं, परंतु अब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने ही वाले हैं, और फिर तुम्हारे निरंतर प्रयत्नों के बिना ये कहां संभव था। मेरी हताशा के क्षणों में तुमने अपने बल और धैर्य का परिचय देकर मुझे कभी भी विचलित नहीं होने दिया हनुमान। परंतु आज आपका हनुमान भी विचलित है प्रभु, प्राण घाते बाण के समान मेरे शब्द आज आपका हृदय भेद देंगे। ये ज्ञात होने पर भी कैसे बताऊं आपको कि मेरे इन नेत्रों ने माता सीता को किस अवस्था में देखा है। क्या बात है हनुमान,
देवी सीता का नाम सुनते ही तुम्हारा मुख 100 सूर्यों के समान दमकता है। आज मेरे मुख से उनका नाम सुनकर तुम्हारे मुख पर इतनी पीड़ा का भाव क्यों है? किसी भी विपत्ति में ना घबराने वाले, सदैव सबका उत्साह वर्धन करने वाले महाबली हनुमान आज स्वयं मस्तक झुकाकर रुदन कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है हनुमान? कहो हनुमान, किस अवसाद ने घेरा है तुम्हें जिसे तुम शब्दों में व्यक्त करने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे हो? हनुमान, मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से घिर रहा है। कहीं हमारे किसी मित्र या योद्धा को कोई क्षति तो नहीं पहुंची? प्रभु, हनुमान, कहीं मेरे लक्ष्मण को? नहीं प्रभु, रामन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ हनुमान? नहीं प्रभु। हनुमान, तुम्हारे नेत्रों से निरंतर बहते अश्रु किसी बड़े अशुभ का संकेत है। प्रभु, शीघ्र बताओ हनुमान, तुम इतने द्रवित क्यों हो? प्रभु, वो दुष्ट मेघनाथ ने माता सीता, सीता, क्या हुआ मेरी सीता को? बोलो हनुमान, क्या हुआ मेरी सीता को? सीता का नाम लेकर हनुमान इस तरह क्यों बुलक रहे हैं? जैसे किसी नवजात शिशु को बलात् किसी ने उसकी माता के आंचल से उसे विलग कर दिया हो। माता सीता, माता सीता, यही तो कहा था हनुमान ने? नहीं नहीं हनुमान, यह असंभव है, यह असंभव है। जब तक उनका राम जीवित है, सीता को कैसे कोई यहां जा सकती है? असंभव है ये। प्रभु, उस अधर में मेघनाथ ने माता सीता का वध कर दिया। प्रभु, सीता का वध? प्रभु,
ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जल बिन सागर, जल बिन भेड़, जल बिन मिन। वैसे सीता रहित राम का जीवन निस्सार है। एक दूसरे के पूरक दो शरीर अवश्य है हम दोनों, परंतु एक प्राण है हम दोनों। यदि सीता नहीं रही तो ये राम निष्प्राण क्यों नहीं हुआ? ये संभव नहीं है, नहीं है ये संभव। लक्ष्मण, तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। हनुमान ऐसा कैसे कह रहा है? तुम ही कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। बोलो लक्ष्मण। आपसे असत्य कैसे कह सकता है हनुमान? हनुमान स्वयं उस घटना का साक्षी है, उस दुष्ट पापी मेघनाथ ने माता सीता का राम सिया स्मृति में खोई, भावुकता मह लोचन रोई। हनुमत शोकाकुल संतप्ता, स्वयं को दोषी मान दुखिता। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। मेघनाद माया जो प्रयोगी, वेदना प्रबल श्री राम ने भोगी। जो जो रघुबर जान की ध्याए, दुख तब क्रोध में बदलो जाए। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सीता से वंचित होकर मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, परंतु अपने प्राण त्यागने से पूर्व मैं उस पापी मेघनाथ, उसके अधर्मी पिता रावण और उनके सहयोगी राक्षसों को दंड अवश्य दूंगा। अब उन्हें मेरा सामना करना होगा, मेरे ब्रह्मास्त्र का सामना। हटो वानरो। तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरो। Ah!
किसी दिव्यास्त्र का आह्वान करने वाला है परंतु उसके पर भी मेघनाथ अपने सर्वनाशी आघात से सबको चकित कर देगा। अब और क्रीड़ा नहीं करूंगा मैं। अपने पिताश्री को दिया गया वचन निभाऊंगा। ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, तुम इसका संधान करो, चला दो नरों वानरों पर, इससे सब एक साथ समाप्त हो जाए। मैं वचन देता हूं पिताश्री, यदि युद्ध के प्रथम प्रहर तक शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। ब्रह्मास्त्र चलाने से तो सर्वत्र विनाश होगा, पर उनकी इस अवस्था में कौन करेगा उन्हें रोकने का साहस। इस अस्त्र को मैं व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं चला सकता। इस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव मात्र मेघनाथ या रावण पर ही नहीं, लंका के असंख्य निर्दोष बालकों, स्त्रियों और वृद्धों का भी वध करेगा। संपूर्ण सृष्टि इसका दुष्परिणाम झेलेगी जो सर्वथा अनुचित है। धर्म की मर्यादा को स्थापित रखूंगा मैं, इस अधर्म लंका में आकर अधर्म कृत्य नहीं करूंगा मैं। आप धन्य हैं प्रभु, विषाद की इन घड़ी में कोई भी अपना विवेक खो बैठता। यदि आपके स्थान पर कोई राक्षस होता तो अहंकार वर्ष स्वयं को ब्रह्मास्त्र चलाने से नहीं रोकता। प्रतीत होता है ये वनवासी भयभीत हो गया है मुझसे, किंतु मैं नहीं डरता। असंख्य प्राणियों का संहार हो तो हो, अकारण विनाश हो तो हो, मुझे केवल विजय प्राप्त करनी है इस युद्ध में, केवल विजय। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करता हूं, अन्यथा मेघनाथ का वध एक ही क्षण में कर देता मैं, एक ही क्षण में।
मात प्रकृति में ये कैसी उथल पुथल हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रकृति भी अपना रोष व्यक्त कर किसी भयंकर प्रलय का संकेत दे रही है। यह अवश्य उस दुराचारी मेघनाथ द्वारा किसी दिव्य अस्त्र के आवाहन का दुष्परिणाम है। पापों का कलश अब भर चुका है, अब इसके दुष्कृतियों का दंड इसे मिलकर ही रहेगा। धर्म की मर्यादा में रहकर मैं अवश्य उसे दंड दूंगा। दुखी क्यों हो गई? क्या हुआ माता? यह समय की आंधी मुझे आभास हो रहा है त्रिजटा किसी घोर अनर्थ का। अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर। मेरा ये दिव्यांश तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण सेना को धराशायी करके रख देगा। मेघनाथ ने तो सत्य में ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
महाराज, आपको विद्युत जीवा का प्रणाम। आपकी इच्छा अनुसार युवराज मेघनाथ ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अंततः मेरे पुत्र ने वो कर ही दिखाया जिसे करने की क्षमता किसी और में नहीं। सफल हुआ, विजय हुआ लंकेश। अब शीघ्र ही हमें उन वानरों के अंत का सुखद समाचार प्राप्त होगा। प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ लंकेश। इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकेगा हनुमान? विवश कर दिया मैंने तुम्हें। अब अपने नेत्रों के समक्ष अपना और अपनी सेना का सर्वनाश देखने के अतिरिक्त कोई चारा शेष नहीं है तुम्हारे पास हनुमान, कोई चारा शेष नहीं है। विनाशी महाअस्त्र है ये, हनुमान कैसे निरस्त करेगा इसे? भागो, भागो, कोई सुरक्षित नहीं है। कौन रक्षा करेगा हमारी? ब्रह्मास्त्र का प्रहार तो कभी विफल नहीं जाता। क्या करूं मैं, कैसे भय मुक्त करूं इन्हें? तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यही उचित समय है। प्रभु से क्षमा, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। ये विचार मेरी कल्पना से भी परे था कि प्रातः रावण मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा आदेश देने की नीचता करे। हमारे साथ उनकी निर्दोष प्रजा का भी अंत कर देगा ये महाअस्त्र। अपने इस अयोग्य अनुज को क्षमा कर दीजिए भैया, जो अपनी माता तुल्य भाभी की रक्षा न कर सका, जो उनके वध का प्रतिशोध न ले सका, जो आपको इस धर्म युद्ध में विजय न प्राप्त करवा सका। उठो लक्ष्मण। जिस उत्साह और विश्वास के साथ मैंने आपको वचन दिया था कि रावण को पराजित करने में मैं आपका सहायक बनूंगा, वो उत्साह, वो विश्वास आज धूल धूसरित हो गया प्रभु। अब इस अंत समय में ये लज्जित सेवक आपसे क्षमा याचना करता है। कदाचित अब पुनर्जन्म में ही आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा प्रभु, मुझे प्राप्त होगा। अकारण हताश हो रहे हैं आप सभी। जब प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं तो हमारा अंत कैसे हो सकता है? हनुमान, ब्रह्मास्त्र के सर्वविनाशी विध्वंस को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई नहीं। श्री राम का सेवक हूं मैं,
पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मैं रोकूंगा ब्रह्मास्त्र को। परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र को चलाए जाने पर उसके विनाशकारी प्रभाव को रोक पाना असंभव है। देखिए हनुमान, जैसे जैसे ये ब्रह्मांड में और ऊंचा जाएगा, सभी ग्रहों और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर और भी विनाशकारी बन जाएगा ये ब्रह्मास्त्र। प्रभु, माता सीता की रक्षा नहीं कर सका आपका ये सेवक, परंतु अपने प्राण देकर भी इस ब्रह्मास्त्र से होने वाले विनाश को रोकेगा ये हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम जो भी करोगे मर्यादा में रहकर ही करोगे, इसलिए शीघ्र जाओ और इन निस्वार्थ भाव से मेरा साथ देने वाले वानर वृक्ष योद्धाओं और सैनिकों की रक्षा के लिए मेरी सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु। विजय भाव। सर्वप्रथम मुझे इसे अंतरिक्ष में प्रवेश कर ब्रह्मांड की अपार शक्ति संग्रह करने से रोकना होगा, अन्यथा हम वानरों का ही नहीं संपूर्ण सृष्टि का नाश करेगा ये। ब्रह्मदेव जी, एक दुष्ट राक्षस द्वारा चलाए गए आपके ब्रह्मास्त्र से संपूर्ण सृष्टि को मिटने से हमारी सहायता कीजिए। यदि इस कार्य में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। करेंगे हनुमान, कैसे रोकेंगे ब्रह्मास्त्र को? We'll be right back.
अब तो हनुमान दिखाई भी नहीं दे रहे। लगता है ब्रह्मास्त्र की परिधि में प्रवेश कर लिया है उन्होंने। इस ब्रह्मास्त्र ने तो बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करेगा हनुमान, परंतु इस अस्त्र को अवश्य रोकेगा। उत्तम मेरे पुत्र मेघनाथ, अति आनंदित हूं मैं तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर, तुम्हारे इस महासंहारकारी अस्त्र को। ना तो वो नर रोक सकता है और ना ही वो वानर। मेरे शत्रुओं का नाश करेगा यह अस्त्र, कोई शेष नहीं बचेगा। आप उचित कह रहे हैं दशानन, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा लंकेश। ना वो नर, ना वानर और ना ही राक्षस। इसीलिए तो मैंने आपको नियुक्त किया है। राक्षसों की रक्षा तो आप करेंगे राजवैद्य सुषेण जी। यह आपका भ्रम है लंकेश। ब्रह्मास्त्र से तो स्वयं सुषेण का जीवन भी सुरक्षित नहीं है, भला मैं दूसरों की रक्षा किस प्रकार करूंगा लंकेश। उस ब्रह्मास्त्र के अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उसके असीम शक्ति से केवल लंका और लंकेश ही नहीं, संपूर्ण धरा राख की ढेर बन जाएगी। सब कुछ उसकी प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाएगा लंकेश, कुछ भी नहीं बचेगा लंकेश, कुछ भी नहीं। ब्रह्मास्त्र हमारी महाभयंकर।
कर विनाशक भारी, अस्त्र अकाट प्रबल तम शक्ति, तीनहु लोक पे विकट विपत्ति, हनुमत दाव पे जीव लगावा, कम किए थाम के अस्त्र प्रभावा, अचरज देव दैत्य रघुवीरा, दुर्गम काज सुगम महावीरा। बलि हनुमत की कुछ कर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबलि हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबलि हनुमान। प्राणों की चिंता किए बिना ही ब्रह्मास्त्र की गति को शून्य कर दिया, उसमें संचित होने वाली शक्ति को तो रोक लिया, परंतु किसी भी पल होने वाले विध्वंस को कैसे रोकेंगे, कैसे? ये नियति मेरी कैसी परीक्षा ले रही है? अपनी सीता को तो मैंने खो ही दिया है, और अब मेरे प्रिय हनुमान भी ऐसी अवस्था में। रखने पर उसका ध्वंस निश्चित है, उस विस्फोट से कैसे जूझेंगे हनुमान? अब इसे कदापि नहीं छोड़ेगा हनुमान। प्रतीत हो रहे हैं हनुमान।
ब्रह्मास्त्र के विस्फोट का प्रथम दुष्परिणाम है। अपने जीवन की चिंता नहीं है मुझे त्रिजटा, किंतु मेरे स्वामी अनुज लक्ष्मण और हनुमान सहित सभी सुरक्षित हो, इतनी ही कामना है मेरी। से जनित इस शक्ति ने यदि पृथ्वी का स्पर्श किया तो संपूर्ण पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। मुझे रोकना होगा इसे। इस शक्ति को शरीर में धारण कर समस्त संसार की रक्षा करूंगा मैं। नहीं होने देगा हनुमान। जय श्री राम। प्रभु तक पहुंचने के पूर्व ही इस शक्ति को अपने शरीर से बाधित कर दूंगा मैं। हनुमान, प्रणाम ब्रह्मदेव। अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? हनुमान की चिंता ना करें महाराज विभीषण, ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा का वरदान प्राप्त है उन्हें।
हनुमान के सिवाय यहाँ ऐसा कौन है जो इस प्रचंड शक्ति का सामना कर सके? यहीं स्थिर रहना होगा मुझे, अन्यथा यह शक्ति प्रभु को प्रभावित कर सकती है। इस विनाशक शक्ति को रोक तो लिया हनुमान ने, परंतु वो पूर्ण रूप से उनके शरीर में समाहित नहीं हो सकी। कहीं इसके विस्तार से सबका संहार ना हो जाए। हनुमान के इस साहसी कर्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रभु रक्षार्था प्राण नामो ही ब्रह्मास्त्राघात अति भाई जासे बजरंगी तसराई। हनुमत राम लखन दो भाई एकजुट संकट से टकराई। तीनहु जग रक्षक जग पाला संकट महनिज प्राण जो डाला। नारायण नारायण, हनुमान की सुरक्षा तो प्रभु ब्रह्मदेव जी के वरदान से सुनिश्चित है। प्रभु श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, परंतु लक्ष्मण के प्राण कहीं संकट में ना पड़ जाएं। कुशल तो है ना माता? मुझे जिस अनिष्ट की आशंका सता रही थी त्रिजटा, वही घटित हुआ।
लक्ष्मण। भ्राता लक्ष्मण, लक्ष्मण को भैया क्या हुआ तुम्हें? लक्ष्मण नेत्र खोलो। लक्ष्मण भ्राता, लक्ष्मण कुछ नहीं होगा आपको। शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए।